नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट ऑर्नामेंटल श्रब्स प्लांट, शोभाकार झाड़ी पौधे विच आर ग्रोन इन द गार्डन फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ द गार्डन. एज यू नो ऑन द बेसिस ऑफ टेंडरनेस और शेप एंड साइज, मुलायमता कठोरता तथा आकार और शेप आकृति एवं आकार के हिसाब से जो शोभाकार पौधे हैं वो तीन प्रकार के होते हैं. हर्ब श्रब एंड ट्रीज. हर्ब्स आर दोज प्लांट विच हैविंग सकुलेंट स्टेम. इसमें सकुलेंट तने पाए जाते हैं और ये मोड़ने पे आसानी से टूटते नहीं बल्कि मुड़ जाते हैं. श्रब्स आर दोज प्लांट विच हाइट इज बिलो 3.5 meters एंड हैविंग मेनी परसेंट स्टेम राइज फ्रॉम द बेस. इसमें आधार से कई तने निकलते हैं, क्लियर कट ट्रंक नहीं होता. ऐसे पौधों को हम झाड़ी पौधे कहते हैं, झाड़ी नुमा हो जाते हैं, इसीलिए इनके झाड़ी पौधे कहते हैं. नेक्स्ट ट्रीज. ट्रीज में क्लियर कट ट्रंक इज फाउंड ऑन द बेस. यहाँ से बिल्कुल सीधा तना निकलता है, इसमें कई शाखाएँ बेस से नहीं निकलती. तो तीन प्रकार के पौधे होते हैं. झाड़ी पौधे जो शोभाकार उद्यान में ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में लगाए जाते हैं उन्हें हम झाड़ी पौधे. वो निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द गार्डन एज फ्लावरिंग सब्स प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल फ्लावर्स एट आई लेवल. क्योंकि झाड़ी पौधे आँखों को आराम देने के लिए अच्छे फूल पैदा करते हैं तथा फ्रेग्रेंट सब्स इमिट फ्रेग्रेंट एट नोज लेवल. तथा जो सुगंधित फूल पैदा करने वाली झाड़ी हैं वो सुगंध पैदा सुगंधित फूलों को पैदा करते हैं. पर्पज ऑफ ग्रोइंग श्रब्स इन गार्डन. झाड़ी पौधों को उद्यान में क्यों लगा दिया जाता है, इसके चार उद्देश्य हैं. नंबर एक है इन्हेंस द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग्स. ये वातावरण के जहाँ पर लगाए जाते हैं उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं. टेक द प्लेस ऑफ गार्डन बाउंड्री वॉल. इनको एज ए फेंसिंग बाउंड्री वॉल की जगह यूज किया जाता है. प्रोवाइड लिवलीनेस टू द गार्डन, जो कि उद्यान को जीवित होने का आभास कराते हैं. सर द पर्पज ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ अगली अनवांटेड प्लेसेज ऑफ द गार्डन. उद्यान के भद्दे ना भद्दे स्थानों को छुपाने के लिए भी श्रब का झाड़ी पौधों का प्रयोग किया जाता है. जैसे मैनोर पेड़ जो खाद के गड्ढे हैं, डस्ट बिन्स कूड़े वगैरह हैं के प्लेस हैं, उनको छुपाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है. प्लांटेड टू डिवाइड द एरिया ऑफ गार्डन सज एज लेडीज कॉर्नर एंड चिल्ड्रंस कॉर्नर्स. इनका प्रयोग गार्डन में ऐसे भागों को एक दूसरे से अलग करने में किया जाता है. जैसे लेडीज कॉर्नर कोई प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए भी श्रब लगाए जाते हैं, जिससे कि एक पार्ट की प्राइवेसी दूसरे तक से ढके रहे. द फ्लावर द श्रब्स कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वेज. झाड़ियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है. जैसे फ्लावरिंग श्रब्स, द श्रब्स हुज आर ग्रोन फॉर फ्लावर पर्पज टू गेट द फ्लावर फ्रॉम द प्लांट आर नोन एज फ्लावरिंग श्रब्स. प्रोड्यूस वेरी अट्रैक्टिव एंड स्पेक्टेकुलर फ्लावर ग्रोन फॉर मास इफेक्ट. सामूहिक प्रभाव के लिए सब को गोन किया जाता है. एक सीरीज में लगा बहुत ही खूबसूरत लगता है. जैसे हाइबिस्कस म्यूटेबिलिस दिस बियर रेड बोटल से फ्लावर, बहुत ही खूबसूरत ड्वार्फ श्रब है. नेक्स्ट हाइबिस्कस रोजा साइनेंसिस, गुड़हल आप लोग जानते हैं, बहुत ही खूबसूरत श्रब है. सीजल पीनिया पल्चराइमा, नीली गुलमोहर, बोगनविलिया स्पीसीज, नेरियम इंडिकम, कनेर, थन टीएमडी टाइम बन मोंटाना डाइवर काटा चांदनी. चांदनी दो प्रकार की होती है, सिंगल फ्लावर चांदनी एंड डबल फ्लावर चांदनी. टीएमडी को लार्ज स्केल पे साउथ इंडिया में ग्रोन किया जाता है, क्योंकि इससे लेडीज अपना गजरा वगैरह बनाती हैं, फूल बेनी बनाती हैं, कई प्रकार से अपने आप को डेकोरेट करते हैं. यूफोर जसमाइनम नॉक्चुर्नम, रात की रानी जसमाइनम संबैक, बेला आर मोगरा जसमैन डायनम, दिन का राजा यूफोर बियल पल्चराइमा एक्सेट्रा. फोलियज जो
सब पत्तियों की सुंदरता के लिए ग्रो किए जाते हैं उन्हें फोलियज श्रब कहते हैं। दो प्रकार की फोलियज इसमें पाई जाती है, सिंपल एंड वेरीगेटेड। द प्लांट्स आर एकाइलिफा ट्राइकुलर कोडियम वेरीगेटम आर इस ऑर्नामेंटल मैंगो। इसको कोडियम वेरीगेटम दैट इज कॉमन नेम इज क्रोटन एंड बोटानिकल कोडियम वेरीगेटम इज ऑल्सो नोन एज ऑर्नामेंटल मैंगो। फॉर फ्लावर एंड फोलियज सम श्रब्स आर ग्रोन हिच फुलफिल द पर्पज ऑफ बोथ फॉर गेटिंग गुड फ्लावर एंड ऑल्सो फॉर ब्यूटी ब्यूटी ड्यू टू दी ब्यूटीफुल फोलियज दे बियर ब्यूटीफुल फोलियज ऑल्सो सच एज बोगनविलिया थीमा वेराइटी ऑफ बोगनविलिया इज वेरी गुड फॉर फोलियज एंड इज फ्लावरिंग प्लांट। डॉक्टर राव बरेलिया एशियाटिका बरेलिया मैडागास्कर कारिएंसिस हेमेलिया पैटेंस आर एक्सेट्रा फॉर फ्रेग्रेंस फ्लावर्स सम सब्स आर ग्रोन फॉर गेटिंग फ्रेग्रेंट फ्लावर्स खुशबूदार पुष्प लेने के लिए कुछ झाड़ी वाले पौधों को लगाते हैं जैसे रात की रानी सेस्टम नॉक्टर्नम सेक्स्टम डायनम मुराया पैनिकुलाटा कामनी जैस्माइनम संबैक बेला जैस्नम आरिकुलेटम एक्सेट्रा। वेज ऑफ प्लांटिंग श्रब्स इन द गार्डन श्रब्स उद्यान में लगाने के तीन तरीके होते हैं जैसे स्पेसिमेन श्रब्स स्टैंडर्ड श्रब्स एंड सब्डी बॉर्डर। स्पेसिमेन श्रब्स वेन द श्रब्स ऑफ टेंड अप टू जो श्रब्स ऐसे झाड़ी जिनकी ऊंचाई एक मीटर रखी जाती है उन्हें हम स्टैंडर्ड श्रब कहते हैं। क्या कहते हैं स्टैंडर्ड श्रब। व्हेन द हाइट ऑफ द श्रब्स इज केप्ट 50% फ्रॉम 50% ऑफ सब्साइट इज व्हेन फोलियज इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्लेस अप टू 50% इज केप्ट 50% इज नोन एज हाफ स्टैंडर्ड श्रब। एंड सब्डी बॉर्डर हिन श्रब्स आर प्लांटेड इन सीरीज फॉर मास इफेक्ट एंड फॉर प्रोटेक्टिंग अगली प्लेसेज इज नोन एज सब्डी बॉर्डर। सब्डी बॉर्डर इज सब्डी बॉर्डर सर्व द पदार्थ प्रोटेक्टिंग द एज वॉल एंड फॉर फेंसिंग द अगली प्लेसेज सजाइट मैन्योर पिट एक्सेट्रा। We'll be right back.